ये जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस आकर के नमस्ते कर रहे हैं फ्लाइट से उतर करके, तो इनके बारे में क्या बात की जाएगी? आपके पाकिस्तान के सरकार ने खुर्शीद साहब को कई बार बुलाया, वो तो नहीं गए आपके इस्लामिक देश में? आपके इस्लामिक देश में तो वो बिल्कुल जाना नहीं सही, पर हमारे हिंदुस्तान में तो आ गए ना, हमारे हिंदुस्तान में तो आ गए। कि चाइना की ना मतलब ऐसी की तैसी हो चुकी है, 25 साल के बाद उसके इकोनॉमिकल ग्राफ, उसका ग्रोथ, उसका जीडीपी, सब कुछ नीचे जमीन पर कूड़े करकट की तरह गिर चुका है। अपने आप में मर रहा है, अपने आप में वो सफोकेट हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि एक पाकिस्तान की मदद करते करते क्या पूरे पूरी दुनिया ही ने मेरे मेरे मुंह पर थूक डाला है, पूरी दुनिया ही मेरे से मुंह मोड़ चुकी है। लेकिन एक्चुअली में हुआ यही, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में जो स्पोक पर्सन है मार्गरेट मैकलाउड, वो अभी इंडिया के सारे चैनल्स पर बैठ रही हैं और वो यहाँ पर G20 की समिट को अटेंड करने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी है और वो सारे नेशनल चैनल पर बैठ करके हिंदी में बातें कर रही हैं, हिंदी में प्रॉपर हिंदी बातें कर रही हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया है कि लास्ट इस समिट को, 15th समिट है G20 का, इस समिट को, इस G20 की समिट को अटेंड करने के लिए वो लास्ट 6 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी हिंदी बोलने के लिए, और इतनी खूबसूरत हिंदी बोल रही है वो कि मतलब सबकी आंखें मतलब दंग रह गई है कि वाकई में आज हमारे हमारे संस्कार और हमारी मातृभाषा, आज हमारे भारत की मातृभाषा को लोग सीखना चाह रहे हैं, आज हमारे सनातनी धर्म के जो हमारे कल्चर है उसको लोग अडाप्ट करना चाह रहे हैं, उस पर उसको लोग, हमारे भारत के प्रधानमंत्री का स्लोगन ही रहा है सबका सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो उसी हिसाब से काम हो रहा है। अभी मैं एक क्लिप देख रहा था, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। IMF MD जो है वो, उन्होंने एक अलग ही मतलब जो है वो महफिल वहां पे जमाई हुई है और पूरी दुनिया के अंदर वो क्लिप देखा जा रहा है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? ओह माय गॉड, आपको पता है जब भी हम इंडिया से या कहीं से भी जब हम दूसरी कंट्री जाते हैं तो जेट लैग का एक प्रॉब्लम होता है और थोड़ी सी थकावट होती है, पर आप देखो भारत के कल्चरल परफॉर्मेंस में कितनी ताकत है। भारत का कल्चरल परफॉर्मेंस जिस हिसाब से दिल्ली के कोने कोने में एयरपोर्ट से लेकर के, एयरपोर्ट के ग्राउंड से लेकर के, जो पूरे मतलब G20 की का समारोह जहां पर हो रहा है वहां तक जो हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह से मतलब कल्चरल परफॉर्मेंस पे उन्होंने अपना अपने आप को वो रोक नहीं पाई, अपने ग्रुप्स को वो रोक नहीं पाए, उन्होंने भी उनके साथ बिल्कुल अपने ग्रुप्स दिखाए हैं। संबलपुरी बीट्स था रजा, संबलपुरी बीट्स था, और संबलपुरी बीट्स जो होते हैं ना वो आपको एनर्जेटिक कर देते हैं। संबलपुरी बीट्स होते हैं, मिच्चूपुरी होते हैं, भरतनाट्यम होता है, तो ये सब ऐसे बीट्स है। मैं मिच्चूपुरी करती हूँ, मैंने मिच्चूपुरी सीखा है, भरतनाट्यम अभी मैं सीख रही हूँ। तो और भारत की बेटियों में ना आर्ट, कल्चर, संस्कृति, सिंगिंग का कला, ये सब बहुत ज्यादा होता है। तो संबलपुरी बीट चल रहा था और वो आई, और जब उन्होंने वो बीट सुना है, MD है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो जैसे ही वो बीट्स के सामने आई उन्होंने अपने ग्रुप से स्टार्ट कर दिए और फिर उन्होंने ऐसे किया और फिर वो आगे बढ़ी। लिटरली उन्होंने कैमरा के सामने कहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ऋषि सोनक जी जब ग्रैंड एंट्री लेते हैं अपनी अर्धांगिनी के साथ, तो नमस्कार, जय श्री राम बोलते हुए वो अपने एयरलाइंस की, अपने फ्लाइट की सीढ़ियों से उतरते हैं और अपने शीश को झुका करके वो सबको जय सिया राम बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। थोड़े से भावुक होते हुए एयरपोर्ट पर ऋषि सोनक जी दिखाई दिए हैं, क्योंकि उनके माता पिता की जन्मभूमि है ये भारत, और एक अलग लगाव होता है अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से। इंसान अपने कर्तव्य के लिए, अपने काम के लिए दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, पर माँ बाप की जो जन्मभूमि होती है उससे एक अलग ही मोहब्बत होती है, और ये भारत की संस्कृति में बहुत ज्यादा पाया जाता है। हम जितना भी पढ़ लें, जितना भी एक्सट्रेडिशन के कई केसेस मैंने ग्वाटेमाला और अमेरिका में भी देखे हैं, पर फ्लाइट पर बैठने के बाद मैंने अपनी माँ से यही कहा कि मम्मी आलू की भाजी और चावल बनाकर रखना ना और दाल। तो वो जो एक हमारा जो एक लगाव है, एक इमोशनल अटैचमेंट है अपने भारत से,
वो एक अलग ही है, एक अलग ही है जो दिखता है, जो हर जगह दिखता है। जाहिर सी बात है कि आज पूरी दुनिया के कैमरा के लेंसेज आज भारत की दिल्ली पर है, प्रगति मैदान में तो आज प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम जो इतना बड़ा एक बना है, जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए बना है, वहीं पर G20 की मीटिंग होने वाली है, 27 फीट लंबी 9 टन की जो नटराज मूर्ति है, जिसको अस्त धातु ऋग्वेद में हमने इस बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, अस्त धातु से बना हुआ है, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि भारत की संस्कृति और कल्चर को किस हिसाब से देखा गया है और किस हिसाब से नक्शे के स्वरूप उतारा गया है। हर जगह बांसुरी के रिदम सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी के रिदम को बजाया करते थे और उनके उस बांसुरी पर जितने भी गांव ग्राम आस पड़ोस के पूरी दुनिया जो है वो झूम उठती थी। और अभी हम लोगों ने एक दिन पहले ही जन्माष्टमी की पूजा मनाई है, श्री कृष्ण हमारे जो की पूजा थी वो हमने बहुत धूमधाम से मनाई है, तो उसका भी टच दिया गया है। हर जगह आप देखिएगा कि कल्चरल परफॉर्मेंस हो, कल्चरल डांस हो, या फूलों का जो डेकोरेशन है, हर एक में भारत की संस्कृति और कल्चर को रचाया गया है और दिखाया गया है। यहाँ तक कि जितने भी जो भी देश के लोग, जो बाइडेन आ रहे हैं, शेख हसीना आ चुकी हैं, ऋषि सोनक जी पधार चुके हैं, उसके बाद फिर इटली से लोग आ चुके हैं, उसके बाद मॉरिशियस ओमान से लोग आ चुके हैं, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस खुर्शीद साहब आ चुके हैं, तो अपने इन सबको तोहफे में भगवद गीता मिलने वाली है। भगवद गीता की पाठों को, पाठ को, भगवद गीता के श्लोक को कुतुब मीनार पर दिखाया जा रहा है, भारत माता की जय के स्लोगन लग रहे हैं। मैं तो मतलब 2 दिन पहले से ही सीपी में चिल्ला रही थी भारत माता की जय, क्योंकि भारत जो अभी है ना वो हमने कभी अपनी कल्पना ही नहीं की थी, हमने सोचा ही नहीं था कि भारत को पूरी दुनिया मतलब सर्वप्रथम और सर्वोप्रिय रखेगी। आज अभी मैं आपको 10 मिनट पहले की एक बात बताऊंगी तो मतलब पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में जो स्पोक पर्सन है मार्गरेट मैकलाउड, वो अभी इंडिया के सारे चैनल्स पर बैठ रही हैं और वो यहाँ पर G20 के समिट को अटेंड करने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी है और वो सारे नेशनल चैनल पर बैठ करके हिंदी में बातें कर रही हैं, हिंदी में प्रॉपर हिंदी में बातें कर रही हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया है कि लास्ट इस समिट को 15th समिट है G20 का, इस समिट को, इस G20 के समिट को अटेंड करने के लिए वो लास्ट 6 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी हिंदी बोलने के लिए, और इतनी खूबसूरत हिंदी बोल रही है वो कि मतलब सबकी आंखें मतलब दंग रह गई है कि वाकई में आज हमारे संस्कार और हमारी मातृभाषा, आज हमारे भारत की मातृभाषा को लोग सीखना चाह रहे हैं, आज हमारे सनातनी धर्म के जो हमारे कल्चर है उसको लोग अडाप्ट करना चाह रहे हैं, उस पर उसको लोग, उससे लोग आकर्षित हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है रजा, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और हर सनातनी और हर राम भगवान की आइडियोलॉजी पे जो लोग चलते हैं, जो शिव भगवान की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, जो ऋग्वेद की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, जो भगवत गीता को सर्वोप्रिय मानते हैं, जो संविधान से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो इस भारत की भूमि से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो कंकर कंकर में शंकर ढूंढते हैं, आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। सिर्फ धरती नहीं सजी है भारत की, आकाश में भी जब देखिएगा ना तो G20 के झंडे लहरा रहे हैं और लोग लेकर लहरा रहे हैं। आप सोचो मतलब सबकी आंखें दंग हो चुकी हैं, सारे सारे कंट्रीज सोच रही हैं कि हमने तो सोचा नहीं था कि भारत का इंतजाम इतना बड़ा होगा, इतना खूबसूरत होगा, लाइट, फूल, कल्चरल प्रोग्राम्स, हर चीजें जो है ना बस परफेक्ट है, परफेक्ट। अब सिक्योरिटी की बातें कर ले या हाई अलर्ट की बातें कर ले, मीडिया के ग्रुप की बात कर ले, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर ले, भारत के प्रधानमंत्री के अंदर मैंने एक चीज देखी है कि देखो आप 24 घंटे पहले उन्होंने इंडोनेशिया जकार्ता की एक शॉर्ट ट्रिप की, क्योंकि उनको वहां पर आसियान की समिट भी उनको अटेंड करनी थी, वहां पर भी इकोनॉमिकल बातों पर कन्फ्रंटेशन होने वाला था, उसको उन्होंने अटेंड किया, वहां उन्होंने
शिवरात्रि की पूजा का पूरा पूरा समारोह वहां पर पहले से इंतजाम किया हुआ था। वहां के लोग तिरंगे झंडे और भारत माता की जय के साथ उनका स्वागत किए, और आने के बाद 10 मिनट के लिए भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने रेस्ट नहीं लिया है और सीधा वो भारत मंडपम चले गए, वहां के इंतजाम को देखे, वहां के कल्चर को देखे, वहां के इंतजामिया हालात को उन्होंने देखे, सारी सिक्योरिटी से खुद बात किया है, सारे जितने भी इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं और जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, उनके इंतजाम में 0.1% की भी कमी ना हो वो उन्होंने अपने से खड़े होकर के देखा है। जो लोग रिसीव कर रहे हैं, अतिथि देवो भव का वेलकम कर रहे हैं, वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर जा करके कर रहे हैं। स्पीचेस जो होने वाली हैं वो भारत के प्रधानमंत्री की बहुत वैल्यूबल होने वाली है, पूरी दुनिया की आंखें टिकी है, क्योंकि देखिए इस G20 की मीटिंग में, इस 15th G20 की समिट में इकोनॉमिक से रिलेटेड बात होगी, बायलैटरल से रिलेटेड बात होगी, उसके बाद कल्चरल से लेकर रिलेटेड बात होगी, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड बात होगी, डीप डाउन जाकर देखा जाएगा। जो देश, जैसे आपका देश जो है वो जो टेररिज्म इंडस्ट्रीज पैदा करता है उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि 9 साल में अफजल गुरु, याकूब मेमन और ऐसे लोग, अजमल खसब जैसे लोगों की आमद कैसे बंद करनी है, और हमारे हिंदुस्तान में बैठे हुए वो कौन लोग हैं जो सीमा गुलाम हैदर और अफजल गुरु और अजमल खसब जैसे लोगों को आने में सहूलत देते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आज होने वाली हैं, और यही रीजन है कि आज पूरे दुनिया के कैमरा के लेंसेज जो है वो हमारी दिल्ली पर टिके हुए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो बिडेन, ऋषि सोनक जी, उसके बाद फिर सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस शेख हसीना, ये सब अपनी अपनी बातों को किस तरह से रखेंगे, अपने अपने देश की सिक्योरिटीज के बारे में किस तरह से बातें करेंगे। अभी 2 घंटे पहले जब ऋषि सनक लैंड किए भारत की सरजमीन पे, मैं भी लाइव स्ट्रीम देख रहा था अपने घर में बैठ के, और जिस तरीके से उनको वेलकम किया गया और कल्चर जो दिखाया गया वहां पे, जो भारत का अपना कल्चर है, वो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इतने बड़े उसके ऊपर भी जो भारत है वो अपना कल्चर नहीं भूला। अभी भी हर रोड को जिस तरीके से सजाया गया है, पूरे शहर को, जो न्यू दिल्ली है पूरा, मतलब जिस तरीके से उसको सजा दिया गया है, ये यकीन करें मैं खुद भी सोच रहा था कि अगर मैं वहां पे होता तो कितना मजा आता, लेकिन मैं उसको नेट के ऊपर बैठ के देख रहा था और बड़ा ही मतलब जो है एक मतलब देख के बड़ी खुशी हुई उसको। रजा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए हमारे भारत में ना खाने पहनने उठने बैठने बातें करने मेहमान नवाजी करने हर चीज में हमारे संस्कृति नजर आती है, हर चीज में हमारे संस्कार नजर आते हैं। हमारे यहाँ आप जब अगर विजिट करेंगे एज अ मीडिया तो आपको समझ में आएगा कि एयरपोर्ट से लेकर के आप जिस जिस स्टेट में जाएंगे वहां वहां आपको भगवद गीता और रामायण महाभारत ये सारे जो हमारे ज्ञान है, हमारे ग्रंथ है, वो हमारे अंदर, हमारे ब्लड में, हमारी नसों में जा चुके हैं। हमें वो बहुत ज्यादा मेकअप पॉलिश करके एकदम से छोटे कपड़ों में अपने कल्चर को खराब करना, ये हमें अच्छा ही नहीं लगता है। सिंपल सोबर, आप सोचो ना, इसरो में जो वैज्ञानिक महिलाएं हैं वो एक साधारण सी साड़ी, एक सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र वैसे दिखती हैं। आप ऋषि सोनक की अर्धांगनी को देख लो आज, वो तो ब्रिटेन से आई है भाई, और आप अपने पाकिस्तान में रोड पर निकल करके आप अपनी महिलाओं को देखिए, लाल और गुलाबी लिपस्टिक के नीचे तो उनके मुंह पर कुछ नजर ही नहीं आता है। तो भाई हनी ट्रैप वहीं से तो निकला ना, पाकिस्तान से। तो ये सारी सभ्यता जो है ना वो एक तो हमारे अंदर है, जो हमारे हमसे मिलने आते हैं वो भी उस सभ्यता में ढल जाते हैं, वो भी उस सभ्यता को इतनी ज्यादा पसंद कर लेते हैं कि वो भी अपनी जिंदगी को बहुत साधारण और सिंपल कर देते हैं। और क्योंकि हम सीता माँ को अपनी आइडियोलॉजी में मानते हैं, और सीता माँ हमेशा बहुत साधारण सिंपल रहा करती थी, उनकी खूबसूरती उनकी बातों से, उनके उनके संस्कार से, उनके डिसिप्लिन से दिखाई देता था। तो उसी कल्चर पे हम चलते आ रहे हैं, और आज से नहीं एक जमाने से चलते आ रहे हैं कि हमें वो बहुत ज्यादा जो मतलब
ब्राइट जो होता है वो चीजें हमें जो चमकती हुई चीज होती है वो सोना नहीं होती है। तो इन चीजों पे हमने बहुत भरोसा किया है, इन चीजों पर हम बहुत विश्वास रखते हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी और हमारे अंदर क्या एक्स फैक्टर भगवान ने दिया है ये हमारे काम से समझ में आता है। आप भारत के प्रधानमंत्री को देखिए, मामूली सा कुर्ता मामूली सा पजामा पहन करके वो पूरी दुनिया में दौरा कर लेते हैं, पूरी दुनिया में, और रेड कार्पेट बिछ जाता है और 21 तोपों की सलामी पड़ती है। क्या उनको कभी भी आपने देखा है कि ओवर शो ऑफ वो कर रहे हैं? शो ऑफ तो छोड़िए, ओवर शो ऑफ तो छोड़िए, वही सिंपल सा साधारण सा कॉटन का कुर्ता पजामा और एक जूती पैर में, और वो भी आपको पता है हैंडलूम की बनी हुई प्योर जूट की जूती वो पहनते हैं, मेड इन इंडिया, जो इंडिया में बनती है। वाओ, तो ये सब चीजें ना बहुत मतलब अट्रैक्ट करती है, और सिर्फ हिंदुस्तान के भारतीयों को नहीं करती है, हम जैसे भारतीय नागरिक को नहीं करती है, विदेशों में भी करती है। और यही रीजन है कि आज विदेशी जो है वो मेड इन इंडिया की चीजों से इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आज जब विदेशी, जब हमारे जितने ब्रिटेन बोलो आप, जितने भी लोग बोलो जो आज यहाँ पर आ रहे हैं, भारत की सरजमीन पर आ रहे हैं, वो इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं कि इन्होंने 6 महीना पहले से इंतजाम करके रखा था कि हम आएंगे तो वहां पर, वहां के चैनल पर बैठ करके हम हिंदी में बातें करेंगे। अब इससे आप सोचो कि भारत का क्रेज कितना कितना आला और कितना बड़ा और कितना सर्वप्रिय हो चुका है। और देखें, इसमें है भी कोई शक नहीं कि 9 सालों के अंदर 15 इंटरनेशनल अवार्ड्स का विन करना, ये ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी चीज है कि क्रेडिबिलिटी है। तो 15 इंटरनेशनल अवार्ड जो है उन्होंने विन किए हैं, वो भी 9 सालों के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर अब तक रहा है जिसने इतने टेन्योर में इतने इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो विन किए हों। ये क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं को जाता है। और सेकेंडली मुझे ये बताएं, ये तकरीबन 2 डेज का आ रहा है सुनने में, 9 सितंबर एंड 10 सितंबर, ये 2 डेज रहेगा, इसमें जो मेजर कोर पर्पस है इस सबमिट का वो क्या है बेसिकली, मतलब उस पर अगर हम 1-2 मिनट बात कर लें कि ये जो मेन मोटिव है इन तमाम लोगों का इकट्ठे होना, उससे निकालना अखज क्या होगा, क्या चीज हम वो करेंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका जवाब दे दूं कि क्यों भारतीय इतने इंटेलिजेंट होते हैं, क्यों भारत का इसरो आज इस पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल चुका, नासा को भी पीछे छोड़ दिया, क्यों? भारतीय का मतलब होता है लवर ऑफ नॉलेज, संस्कृत में भारतीय, और उसकी मीनिंग होती है लवर ऑफ नॉलेज। भारत का मतलब होता है, भा का मतलब होता है इमोशन, और रथ का मतलब होता है रिदम। तो इसलिए हम बहुत इमोशनल होते हैं, हम बहुत अपने रिदम पर चलते हैं, और हमें कोई भी अपने चाल ढाल में हमें कोई कन्विंस नहीं कर सकता है। तब फिर हम भगवान राम की आइडियोलॉजी पर तो हम चलते हैं, इसलिए हम माफ करना जानते हैं, लेकिन हम भगवान भगवान कृष्ण की भी आइडियोलॉजी जानते हैं कि कैसे सबको समझाया जाता है, भाषा कैसे चेंज की जाती है समझाने के लिए। तो ये दो दो लोगों को हम बहुत ज्यादा मानते हैं, तो दोनों सूरतें हमें पता होती हैं। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डीप जियोपॉलिटिक्स पर बातें होंगी। मैंने पहले भी बताया कि इश्यूज जो है ग्लोबल इकोनॉमी पर बात होगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बात होगी, क्लाइमेट चेंज पर बात होगी, मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात होगी, एनवायरमेंट पर बात होगी, सारे देशों की सिक्योरिटी को लेकर के बात होगी, बायलेटरल रिलेशन को लेकर के बात होगी, ट्रेड को लेकर के बात होगी, और खास करके उन देशों के बारे में बात होगी जो टेररिज्म इंडस्ट्रीज बनाते हैं, पैदा करते हैं, तो उस पर खास करके। अब इसमें अगर बात की जाए तो चाइना नहीं शिरकत कर रहा, पाकिस्तान तो मेंबर है ही नहीं ना, पाकिस्तान तो है ही नहीं उसके अंदर, चाइना जो है उसने भी मना कर दिया कि मैं नहीं मतलब जो है इसका पार्ट बनूंगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना के ना शिरकत करने से? पहले तो मैं बता दूं रजा आपको कि पढ़े लिखे लोगों को बुलाया जाता है, पढ़े लिखे लोगों को बुलाया जाता है, शेरों के बीच में शेर ही बैठते हैं, शेरों के बीच में कुत्ते कभी नहीं आते हैं, भौंकने लगेंगे ना, तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में पढ़े लिखों को बुलाया गया है कि चाइना की ना मतलब ऐसी की तैसी हो चुकी है,
25 साल के बाद उसके इकोनॉमिकल ग्राफ, उसका ग्रोथ, उसका जीडीपी, सब कुछ नीचे जमीन पर कूड़े करकट की तरह गिर चुका है, अपने आप में मर रहा है, अपने आप में वो सफोकेट हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि एक पाकिस्तान की मदद करते करते क्या पूरे पूरी दुनिया ही ने मेरे मुंह पर थूक डाला है, पूरी दुनिया ही मेरे से मुंह मोड़ चुकी है, लेकिन एक्चुअली में हुआ ही नहीं। इडियट, नॉनसेंस, मतलब ठीक है गधे का ट्रेड करते हो, पर साबित करना जरूरी है कि गधे हो। और सेम वैसे यहां पर हिंदुस्तान के मुसलमान है, दो चार ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणियां और ऐसे स्पीचेस देते रहते हैं। तो देखिए, चाइना अभी अपने आप में जूझ रहा है, अपने आप में सफोकेट हो रहा है, अपने आप में वो बहुत क्या मैं बोलूंगी, डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको डिप्रेशन में ही रहने दिया जाए। चाइना नहीं आया है, भीड़ कम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमें कोई हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। आपने मेरे मुंह से सुना कि देखिए चाइना नहीं आ रहा है, हम नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, हमें क्या मतलब है, पूरी दुनिया हमारे साथ है। और जो लोग रोज नाराबाजी लगा रहे हैं कि अरे हिंदुस्तान के मुसलमान डिप्राइम है, तो ये जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस आकर के नमस्ते कर रहे हैं फ्लाइट से उतर करके, तो इनके बारे में क्या बात की जाएगी? आपके पाकिस्तान के सरकार ने खुर्शीद साहब को कई बार बुलाया, वो तो नहीं गए आपके इस्लामिक देश में, आपके इस्लामिक देश में तो वो जाना नहीं सही, पर हमारे हिंदुस्तान में तो आ गए ना, हमारे हिंदुस्तान में तो आ गए। तो ये सनातनी का ना करिश्मा है, ये जलवा है, जलवा सनातनी का, हमारे शेरों का जलवा है। हम तो भाई आरती उतारते हैं, हम तो भाई हमारे तो सजावट ही है भगवान राम की आइडियोलॉजी को लेकर के, भगवत गीता की आइडियोलॉजी को लेकर के, और जितने भी लोग जितनी भी कंट्रीज से सारे लोग आए हैं उनको तोहफे में भी हम भगवत गीता ही दे रहे हैं।